जय हिंद दोस्तों कैसे हो आप सभी आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे तो गाइज आज आज हमारा वॉकेबलरी का डे एटीन है और वॉकेबलरी जो हम कर रहे हैं इतने दिनों से कंटिन्यू उसका हमारा टारगेट हमने किया है इस साल का कोई भी एग्जाम वैसे स्पेशली अभी लेटेस्ट जो टारगेट है वो है एस बी आई क्लर्क ट्वेंटी ट्वेंटी वन जो कि आपके होने को भी है जल्दी से ओके तो चलिए गाइज स्टार्ट कर दे आज के सेशन को और सेशन का वही तरीका दो वर्ड करेंगे दोनों वर्ड के सिनोनिम्स देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे उनके सिनोनिम्स देखेंगे देखेंगे सेंटेंस यूज देखेंगे, और साथ ही साथ एडिटोरियल में किस तरह से आया है वो सारी चीजें अंदर देखने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले आपको जय हिंद जय हिंद पुष्पेंद्र जय हिंद पूजा पाठक जय हिंद गायत्री जय हिंद मयूरी वेरी नाइस मॉर्निंग मोहन जय हिंद पुष्प जय हिंद शुभांगी मिश्रा वेलकम जिसकी फर्स्ट क्लास है उसका स्वागत है आज के सेशन में जय हिंद काजल जय प्रिय दर्शनी अच्छा दिनेश अरोड़ा मेरे फ्यूचर को यार यहां पर आप रिवेल कर रहे हो <laughs> ओके 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 चलिए जय हिंद अमित तो तैयार है एक बार डन कर दीजिए सेशन स्टार्ट करता हूं फिर मैं तो चलिएगा देखते हैं दो वर्ड तो आज हमारे सामने गाइज दो वर्ड है एक है इन और एक है डिसेंट देखिए दोनों जो वर्ड है ना ये एडिटोरियल के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं ये आपको एडजेक्टिव फॉर्म में भी दिखेगा पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव ये आपको वर्ब फॉर्म में भी दिखता है ठीक है और ये साथ ही साथ आपको नाउन फॉर्म में भी दिखेगा क्लियर है और एग्जाम के अंदर भी ये बहुत ज्यादा आप लोगों से पूछा जाता है तो देखिएगा तो देखिएगा ये सबसे पहली चीज पहला जो वर्ड है हमारा पहले इसकी ट्रिक समझना अच्छे से ठीक है फिर वर्ड को हम रिलेट करेंगे और उसके बाद आपको इसका मीन बताऊंगा ये वर्ड अगर हम देखते हैं तो यहां से अगर इसको उठाते हैं तो ये कैसा लगता है हमारे को इनफेंट किसकी तरह लगता है इनफेंट इसको हम देखते हैं तो ये कैसा लगता है हमारे को टू और इसको अगर हम देखते हैं तो ये कैसा लगता है हमारे को सन भाई अगर एक्चुअल में प्रोनन्शिएशन देखे तो इसका यही तो प्रोनन्शिएशन होता है infatuation और अगर मैं जल्दी से इसको कहता हूं तो क्या कह सकता हूं इन्फेंट टू सन क्लियर अब इन्फेंट आप जानते हो किसे कहा जाता है शिशु जो बच्चा होता है बिल्कुल आपके ठीक है और साइड वोकैबुलरी के अंदर आपने देखा भी होगा कि इन्फेंटिसाइड होता है आपके क्लियर इसी तरह से सन जो होता है वो होता है जिस तरह से हम अब बड़े हो चुके हैं वो हम सन हो चुके हैं ठीक है ठीके? अब बचपन के अंदर होता है ना अक्सर हम मां बाप के प्यार को ही समझते हैं क्लियर लेकिन जब बड़े होते हैं तो हमारे जीवन के अंदर एक टेटेटे घुसकर -टे -टे आता है क्लियर है और उसके प्यार में अक्सर हम क्या हो जाते अंधे हो जाते हैं तो बिल्कुल गाइज इन्फेंट से लेकर जब आप सन की प्रोसीजर में आते हो तो आप प्यार के अंदर अंधे हो जाते हो तो इसको हिंदी में कहा जाता है आपके प्रेमान्धता क्या कहा जाता है इसको हिंदी के अंदर प्रेमांधता कहा जाता है पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ये आपके एक नाउन निकल कर आता है पार्ट ऑफ स्पीच में क्या निकल कर आता है ये आपके नाउन निकल कर आता है ठीक है और इंग्लिश में इसका मीन होता है एन इंटेंस बट शॉर्ट लिव पैसन फॉर समवन और समथिंग मतलब इंटेंस का मतलब होगा बहुत तेजी से या बहुत ही तीव्रता से किसी की तरफ या किसी भी वस्तु या किसी भी पर्सन की तरफ आपका एक छोटा सा जो पैसन होता है अरे ये बात समझ में अट्रैक्शन होता है उसे क्या बोला जाता है गाइज आपके इन्फेटन बोला जाता है अरे ये बात समझ में ठीक है तो इन्फेटन वर्ड को आपको याद रखना है इन्फेंटुसन लगभग समान लगता है प्रोनशिएशन के अंदर हिंदी में इसका मीन होता है प्रेमान्धता पार्ट ऑफ स्पीच में क्या निकल कर आता है नाउन इंग्लिश में इसका मीन होता है इंटेंस वर्ड शॉर्ट लिव पैसन फॉर समवन और समथिंग क्लियर समझ आया तो डन कीजिएगा समझ आया हो तो डन कीजिएगा देखिए इसके आपको हिंदी में और मीन बता देता हूं हिंदी में जैसे जो बच्चे हिंदी मीडियम से प्रॉपर वो ध्यान रखिएगा मोहान्ड या किसी की तरफ आपका बहुत ज्यादा मोह होता है ना मेटेरियलिस्टिक लाइफ जो होती है ठीक है उसके लिए भी इन्फेटन वर्ड लगता है हिंदी में अगर आपने कभी एक वर्ड सुना हो आ सकती ठीक है हिंदी में एक वर्ड सुना हो मूड कंप्लीट पागलपन के सेंस के अंदर किसी चीज के ऊपर अगर आप मैनिय हो जाते हो सनकी हो जाते हो तो उसे भी क्या बोला जाता है आपके इन्फेटन बोला जाता है ठीक है तो चलिएगा ये जब इसके सिनोनिम्स देखते हैं हम तो सबसे पहली चीज Word मैंने आपको बताया पार्ट ऑफ स्पीच में क्या निकल कर आता है एक ये नाउ हिंदी में इसका मीन आपको मैंने बता दिया प्रेमांधता होता है मूड होता है आसक्ति होता है बहुत सारे मतलब इसके निकल कर आते दूसरी चीज ध्यान रखना ये बहुत से बार आपको इस तरह से भी दिखेगा इनफेटुएटेड ठीक है तो इसका मतलब भी सेम निकल कर आता है लेकिन ये पार्ट ऑफ स्पीच में ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है गाइज आपके एडजेक्टिव हो जाता है क्लियर अब पहला जो इसका मीन होता है वो होता है ऑगल ओ जी एल ई बहुत बार ये वर्ड देखा गया है आपके ठीक है और इस वर्ड का जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है क्लियर और अगर आप किसी से प्यार करते हो या किसी भी चीज की तरफ अगर आप अट्रैक्ट हो लेकिन एक बहुत ही गंदे तरीके से अगर आप उसको घूर रहे हो तो उसके लिए भी क्या लगाया जाता है आपके ऑगल मतलब एक तरह से घूरना जिसको हम स्टेयर कहते हैं जिसको हम गेज कहते हैं ठीक है ठीके? लेकिन नेगेटिव वे में अगर आप किसी की तरफ घूर रहे हो तो उसे क्या बोला जाता है आपके ऑगल के सेंस के अंदर यूज लिया जाता है सेकेंड होता है गाइज आपके फीदर पैट ठीक है फीदर पैट जो वर्ड होता है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन होता है और इसका मीन वही होता है एक तरह से प्रेमान देता साथ ही साथ इसका मतलब अलग से अगर मैं बात करूं तो क्या होता है मूर्ख या पागल के तौर पर भी इसका मीन यूज लिया जाता है फीदर पेट नेक्स्ट वर्ड है गाइज आपके एंडियरमेंट ठीक है एंडियरमेंट जो वर्ड होता है ये पार्ट ऑफ स्पीच में आपके एक नाउन होता है और अगर आपका किसी भी वस्तु के मतलब समथिंग और समवन के लिए अगर कोई भी पैसन होता है शॉर्ट तो उसे क्या बोला जाता है गाइज आपके एंडियरमेंट बोला जाता है इसी तरह से एक ये बहुत ही शानदार वर्ड है जो है गाइज आपके गोलप्शियस गोलप्शियस वर्ड जो होता है ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या निकल कर आता है एक एडजेक्टिव के तौर पर इसका यूज किया जाता है गोलप्शियस वर्ड के बारे में बताता हूं ये पॉजिटिव वे में होता है और ऐसा इसका मीन जो होता है हिंदी में एक और मीन होता है मोहक कोई ऐसी चीज जो आपके दिल को बहुत ही अच्छी लग जाए तो उसे क्या बोला जाता है गोलप्सियस क्या बोला जाता है उसे गोलप्सियस कहते हैं ठीक है थीके? और इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है कि अक्सर गोलू उसे बोला जाता है गोलू मोलू जो हमारे को अच्छा लगता है जिसके गाल खींचने की इच्छा करती है कमर दबाने की इच्छा करती है तो गोलप्शियस वर्ड वैसे भी याद रख सकते हो और एक वर्ड होता है भाई जो आपके मैथ पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन होता है साथ ही साथ बताता हूं इसका एक पार्ट ऑफ स्पीच में क्या निकल कर आता है आपके वर्ब तो मैस होता है किसी भी चीज को कुचलना और आपने सुना भी होगा जब हम चीजों को मैसिंग करते हैं तो वो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या निकल कर आता है एक आपके वर्ब होता है अरे ये बात समझ तो इस तरह से इसके टोटली अच्छे लेवल के जो वर्ड्स है वो पांच वर्ड्स आपके इनफेटुएशन वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच में निकल कर आते पहला ऑगल वर्ड होता है जो पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब होता है फीदर पेट होता है जो नाउन होता है एंडियरमेंट नाउन होता है गोलपशियस एडजेक्टिव होता है और मैस वर्ड क्या होता है गाईज? आपके एक नाउन के तौर पर इसका यूज लिया जाता है ठीक है और नाउन में इसका एक और मतलब होता है अगर किसी भी चीज की तरफ आपकी कोई लगन होती है तो उसे भी क्या बोला जाता है आपके मैस बोला जाता है अरे ये बात समझ जैसे मान लीजिए आप जस्ट सपोज करिए आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो खुद को ठीक है तो ये एक अगर मैं बात करूं तो आपकी लगन है इच्छा ही है कि आप जल्दी से जल्दी एक कम टाइम के अंदर सिलेक्शन ले लो तो इसका मतलब है इंटेंस बट शॉर्ट लिव पैसन फॉर समथिंग तो उसे क्या बोला जाएगा आपके मैस के तौर पर यूज़ लिया जाएगा समझ हो तो डन कीजिए डाउट हो तो पूछिएगा कौन सा यूज हो सकता है अमित जेफ यस होगा सिनोनिम वेरी गुड तो जल्दी से ही जितने भी वर्ड्स है इसके सेनानिम्स उनके सारे सनानिम्स आप लिख कर बता दीजिए स्टार्ट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा लिखते चलिए लिखते चलिए वेरी गुड देखिए वॉकेबलरी का तरीका यही है कि जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा लर्न होगा करते चलिए इसके स्निम्स लिखते चलिए स्पीडली थोड़ा गुड गायत्री नायक गुड सुगंधा गुड भूपिंदर गुड रोहित गुड श्रद्धा वेरी गुड वेरी गुड करते चलिए करते चलिए गाइज वेरी गुड तो चलिए एक बार डन कर दीजिए अगर ये वर्ड क्लियर हो तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ेंगे हम और कल का आप लोगों को ध्यान रखना है कि कल हम कोई ना कोई एक प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे ठीक है कुछ न्यू पैटर्न हम कुछ चीज करेंगे कल के सेशन में क्योंकि अब एक दिन वॉकएप चलेगा और एक दिन हमारा प्रैक्टिस सेशन चलेगा और जो स्टूडेंट्स है अगर वो किसी भी तरह से फ्रेज रिप्लेसमेंट की क्लासेज जो है ठीक है या डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जो अभी तक नहीं जुड़े हो वो मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाई अर्जुन सर से जुड़ जाइएगा वहां पर डेली इवनिंग के अंदर चार पैतालीस पे क्वार्टर टू फाइव जो है एक प्रैक्टिस सेशन होता है ठीक है जो टारगेट कर रहे हैं कंप्लीटली बैंक एग्जाम्स को जिसमें एसबीआई पीओ लेवल तक का मेन्स लेवल तक का आपको देखने को मिलेगा तो चलिए गाइज नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम और वर्ड है आपके सामने डिसेंट ठीक है देखिए डिसेंट वर्ड को याद रखना है इससे जनरली ये वर्ड हमारा सुना होता है जो कि होता है डिसेंट और जो डिसेंट लोग होते हैं ठीक है थीके, उनके बारे में हम जानते हैं अच्छे खासे तरीके से कि अक्सर लोगों को डिसेंट तब कहा जाता है जब उनके किसी से भी मतभेद नहीं होते ठीक है वो किसी भी काम के अंदर दूसरों के साथ असहमति नहीं दिखाते तो वो क्या कहलाते हैं डिसेंट कहलाते हैं लड़ाई झगड़ा नहीं करते उनका विवाद नहीं होता तब जाकर वो क्या कहलाते तो तो वो होते हैं जिनके आपस में क्या नहीं होते मतभेद नहीं होते हैं तो मतभेदों को इंग्लिश के अंदर क्या कहा जाता है गाइज आपके डिसेंट कहा जाता है पार्ट ऑफ स्पीच में ये एक नाउन निकल कर आता है और पार्ट ऑफ स्पीच में साथ ही साथ ये एक वर्ब भी होती है दोनों होता है ये जैसे इसकी ईडी फॉर्म भी होती है आपके डिसेंटेड भी बोला जाता है और डिसेंट एक नाउन भी होता है एग्जाम्पल्स के अंदर हम देखेंगे ठीक है नाउन के तौर पर यह मतभेद होता है और वर्ब के तौर पर इसका मीन निकलता है असहमत होना किसी भी चीज के अंदर ठीक है या मतभेद होने को हम क्या कहते हैं वर्ब के तौर पर आपके डिसेंट बोला जाता है वर्ब के तौर पर इसे क्या कहते हैं आपके डिसेंट कहते हैं ठीक है ठीके? फिर उसके बाद देखिए इसका इंग्लिश मीन जो निकलता है वो निकलता है आपके ए स्ट्रॉन्ग डिफरेंस ठीक है ऑफ ओपिनियन ओपिनियन का जो एक स्ट्रॉन्ग डिफरेंस होता है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर टॉपिक पर तो उसे बोला जाता है गाइज आपके डिसेंट कहते हैं ओके okay? तो ध्यान रखना है आपको डिसेंट को डिसेंट से याद रखना और जो डिसेंट लोग होते हैं उनमें अक्सर मतभेद नहीं होते हैं ठीक है ठीके? तो मतभेदों को क्या बोला जाता है आपके डिसेंट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन और वर्ब दोनों निकलेगा इंग्लिश में इसका मीन होता है एस्ट्रॉन्ग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्या बोला जाता है गाइज आपके डिसेंट बोला जाता है समझ आया हो तो डन कीजिए डाउट हो तो पूछिएगा क्लियर है तो चलिए अब इसके सिनोनिम्स देखिएगा आप डिसेंट वर्ड का मैंने आपको बताया पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है ये नाउन भी है और साथ ही साथ ये सेम वर्ड क्या होता है आपके वर्ब भी होता है तो इसका मतलब इसके जो पार्ट ऑफ स्पीच निकल कर आएंगे वो दोनों निकल कर आएंगे

इसी तरह से एक वर्ड होता है डिस्क्रिपेंसी बहुत ही शानदार वर्ड है बहुत बार एग्जाम में देखा जाता है ये पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ये एक नाउन निकल कर आता है गाइज आपके और इसका मीन भी सेम निकलता है आपके असहमत होना चीजों के बीच असम्मति होना या मतभेद होने को क्या बोला जाता है आपके डिस्क्रिपेंसी बोला जाता है ठीक है इसी तरह से एक वर्ड होता है गाइज आपके डिसिडेंस डिसिडेंस वर्ड जो होता है ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन होता है और ए स्ट्रोंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को क्या बोला जाता है आपके डिसिडेंस बोला जाता है इसी तरह से एक वर्ड होता है गाइज आपके स्ट्राइफ ठीक है स्ट्राइफ वर्ड जो होता है ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन निकल कर आता है साथ ही साथ इसका एक और मीन होता है जिनको हम कहते हैं संघर्ष क्या कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट वगैरह स्ट्रगल वगैरह जो होता है किसी चीज के अंदर उसे भी हम क्या कहते हैं स्ट्राइफ कहते हैं इसी तरह से एक फ्रेजल वर्ब होती है गाइज आपके फ्रॉन अप फ्रॉन ऑन ठीक है फ्रॉनोन के बारे में आपको बताना चाहूंगा फ्रॉनोन का डायरेक्टली मतलब किसके तौर पर निकल कर आता है आपके डिसेंट के तौर पर निकल कर आता है साथ ही साथ अगर सिर्फ मैं फ्रॉन की बात करूं तो फ्रॉन वर्ड जो होता है इसका मीन जो होता है आपके वो होता है तेवर क्या होता है वो तेवर ठीक है किसी भी चीज के अंदर जो तेवर होते त्योरिया चढ़ा लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं फ्रॉन कहते हैं तो डिसेंट वर्ड अगर आपको समझ आया हो तो डन कीजिएगा डिसेंट वर्ड अगर समझ आया हो तो डन कीजिएगा और डाउट हो तो पूछिएगा तो जल्दी से इसके जितने भी शनिमिम्स है वो सारे सननिम्स लिखकर बता दीजिए स्टार्ट कर दीजिएगा अच्छा पूजा पाठक स्ट्राइप वर्ड आया है आज वेरी गुड करते चलिए करते चलिएगा और अब बहुत जल्दी हम जो है एडिटोरियल भी स्टार्ट करने वाले हैं अब क्योंकि अब आपके लगभग 20 टॉपिक जैसे ही वो कैब के होंगे उसके बाद एडिटोरियल स्टार्ट करेंगे और उनमें वही वर्ड आपको देखने को मिलेंगे सेंस बेस्ड देखने को मिलेगी फ्रेज रिप्लेसमेंट से आपके बहुत से आइडियम फ्रेजेज क्लियर हो रहे हैं तो वो सारी चीजें जब देखने को मिलेगी तब हमारे को न्यूज पढ़ने का मजा आएगा गुड़ नेहा गुड सुभांगी गुड गायत्री नाउन होता है नाउन ये किसने पूछा है ये रोहित नाउन के तौर पर यूज लिया जाता है गुड ऋतु मेरा, गुड़ भूपिंदर गुड अमित तो चलिए चलिएगाइज अब इसका हम सेंटेंस यूज देखते हैं चारों वर्ड का समझना अच्छे से और चारों वर्ड यहां पर यूज लिए गए हैं आपके पहला वर्ड जो है तो देखिएगा ऑल द विशाल थॉट ही वॉज इन लव विद यंग वुमन जैसा कि विशाल ने सोचा कि वो यंग वुमन के साथ लव में था ही सून रियलाइज जल्दी ही उसे इस चीज का रियलाइज हो गया ही वॉज ऑनली इनफेटेड विद हर वो केवल और केवल उसके साथ क्या था एक तरह से प्रेमांडता में था मतलब यह है कि उसको बाद में ये रियलाइज हुआ कि यार ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरा एक पैसन है टाइम का कंप्लीट तो यहां पर ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या निकल कर आ रहा है आपके वर्ड निकल कर आ रहा है आ रही है बात समझ में ठीक है मैंने बताया था कि इनफेटुएसन जो वर्ड होता है ये नाउन के तौर पर होगा इनफेटुएटेड जो वर्ड होगा पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव और साथ ही साथ वर्ब के तौर पर यूज लिया जाएगा इसी तरह से है इवन एज ए यंग बॉय द सिंगर वॉज इनफेटेड विद म्यूजिक ठीक है कि जैसा कि एक यंग बॉय होने के नाते जो सिंगर जो था वो क्या था म्यूजिक के साथ एक शॉर्ट लिट पेशन के अंदर था तो यहां भी गाई जी क्या निकल कर आ रहा है आपके पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब निकल कर आ रहा है ठीक है दूसरा यहां पर मैंने दोनों सेंटेंस में आपको बताया है कि इनफेटुएटेड जो होता है ये समवन के लिए भी यूज लिया जाता है और साथ ही साथ समथिंग के लिए भी यूज लेते हैं दोनों जगह ये यूज लिया जाएगा और दोनों जगह में इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन जो लगता है वो क्या लगेगा आपके विद का यूज किया जाएगा इसी तरह से आगे देखते हैं द यूनियन इज गोइंग टू डिसेंट विद मैनेजमेंट ऑफर ऑफ ए स्मॉल पे इंक्रीज भाई गवर्नमेंट जो है वो क्या होने जा रही है मैनेजमेंट का जो ऑफर था ठीक है थोड़ा सा पे इंक्रीज करने के लिए उससे असहमत होती नजर आ रही है तो भाई जी टू के बाद जो है वर्थ की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर इसका यूज किया जा रहा है जो आपके एक तरह से इन्फिनेटिव फॉर्म में निकल रहा है उसी तरह से है शोड हिज हिज डिसेंट विद द पुलिस ऑफिसर्स रिक्वेस्ट बाय पुलिंग आउट गन एंड फायरिंग ठीक है एक आदमी जो था उसने क्या दिखाई अपनी डिसेंट दिखाई तो यहां पर ये गाइज पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन निकल कर आ रहा है ठीक है कि पुलिस ऑफिसर ने जो उससे अपनी गन और फायरिंग रोकने का या रखने का एक तरह से जो रिक्वेस्ट किया था उस चीज पर उस आदमी ने क्या शो करी अपनी असहमति शो करी ओके तो यहां पर मतभेद के तौर पर यूज आ रहा है और यहां पर किसके यूज पे आ रहा है ये असहमत होना तो चारों वर्ड अगर समझ आ गए हो तो डन कीजिएगा इसके लिए भी फिर इसका एडिटोरियल यूज देखेंगे हम

विद द वाइट स्किन एक्सप्लेन हाउ ठीक है भाई हमारी जो एक पुरानी एज ओल्ड का मतलब है कोई भी चीज जो है वो सदियों पुराना जो हमारा इनफेटुएसन है मोह है तो ये गाइज क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन निकल कर आ रहा है एज ओल्ड का मतलब हिंदी में होता है सदियों पुराना जो हमारा इनफेटुएसन है इसके साथ गोरी चमड़ी वाले लोगों के साथ वाइट स्किन का मतलब क्या होगा गोरी चमड़ी वाले लोगों के साथ वो ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक्चुअल व्हाइट मैन हैड श्योर अब ऑन आर सॉर्स ठीक है जब एक्चुअल के अंदर जो व्हाइट मैन थे मतलब बात किसकी कर रहा है समझ आ जाएगी आपको ठीक है अंग्रेजों की बात कर रहा है ये ब्रिटिशर्स की बात कर रहा है उन्होंने जब हमारे किनारों पर ठीक है जब कदम रखे एक तरह से वी हैड हैंडेड हिम द कीज टू country, तो हमने हमारे देश की चाबियां जो थी उनको क्या कर दी हैंडेड कर दी सौंप दी उनको एक्सप्रेसिंग आर हैबिचुअल ऑबिडेंस क्या चीज एक्सप्रेस करते हुए हमारी जो हैबिचुअल ऑबिडेंस है आदतन आज्ञाकारिता है उसको शो करते हुए हमने हमारी क्या कर दी थी चाबियां सौंप दी थी और यही रीजन है कि आज फिर भी अभी तो एजुकेशन के कारण लोग समझदार हो गए हैं नहीं तो गोरी चमड़ी वाले लोगों के साथ अक्सर हमारा क्या होता है सदियों पुराना मोह है जिस समय से उन्होंने हमारे पर राज किया था हम उनके सामने क्या होते झुक जाते इसीलिए इंडिया के अंदर गोरे लोग अक्सर जल्दी से पसंद आते हैं कंपेरिजन टू तो किसके ब्लैक स्किन ठीक है और ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो गोरे चमड़ी वाले देशों के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है जिसको नसल भेद का शिकार भी आपके कहा जाता है सेकेंड हम देखते हैं यहां पर गाई ये कह रहा है द नेचर ऑफ डिसेंट ये भी एक आपके एडिटोरियल के अंदर आया था क्लियर और यहां पर डिसेंट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन निकल कर आ रहा है मतभेद की प्रकृति ये कहता है देर इज नो फैमिली ऐसा कोई परिवार नहीं है या कोई परिवार नहीं होगा विदाउट डिसेंट बिटवीन ठीक है तो यहां पर क्या निकल कर आ रहा है गाई जे पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन निकल कर आ रहा है पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन जहां पर बच्चों और माता पिता के बीच में मतभेद नहीं होता हो और बिटवीन द सिब्लिंग्स और भाई बहनों के बीच में मतभेद नहीं होता है ऐसा कोई परिवार ही नहीं होता है ठीक है अ फैमिली विच लर्स टू डील विथ दिस यहां भी एक पार्ट ऑफ स्पीच में क्या निकल कर आ रहा है गाईजा आपके नाउन निकल कर आ रहा है एक परिवार वो है जो कि सिखाता है किससे डील करना मतभेदों से रेदर देन किसके बजाय ऑथरिटेवली डिसमिसिंग इट इज अ मोर हार्मोनियस फैमिली ठीक है मतलब एक परिवार जो है वो मतभेदों से डील करना सिखाए किसके बजाय अधिकारिता के तौर पर ठीक है इसी तरह का जो परिवार होता है इट इज ए मोर हारमोनियस फैमिली ठीक है हार्मोनियस का मतलब होता है सामंजस्यपूर्ण या तालमेल तो अक्सर ऐसा परिवार जो होता है वो ज्यादा क्या होता है सामंजस्य पूर्ण होता है जिसके अंदर मतभेदों से जहां पर कंडीशन लाइक माइंडेड नहीं होकर पोल्स अपार्ट निकल कर आती है तो ऐसे ही परिवारों को क्या बोला जाता है आपके हार्मोनियस फैमिली बोला जाता है सामंजसमंज हिंदी में क्या बोलेंगे यार सामंजस्यपूर्ण परिवार इसको आपके बोला जाता है तो ये गाई जहां पर डिसेंट जो है तीनों बार आपके किसके तौर पर आया है नाउन के तौर पर आया है समझ आया हो तो डन कीजिएगा एडिटोरियल में और डाउट हो तो पूछिएगा इसीलिए कहते हैं परिवार में ना लड़ते रहा करो जिस परिवार के अंदर अक्सर है ना मतलब खटपट एक होती है ना अलग तरीके की मज़ा भी उसी में आता है यार जब भाई बहन जो होते हैं वो आपस के अंदर उनके बीच मतभेद होते हैं ठीक है ऐसे भी नहीं बैंकर गलाघाट प्रतिस्पर्धा मत कर लेना बहुत से बार सुनने को मिलता परिवार में लड़ाइया होती है लोग एक दूसरे का गला काट देते हैं कुल्हाड़ी से मार देते हैं ऐसा वाला नहीं ये एक पॉजिटिव सेंस के अंदर बोला गया है यहाँ पर ये नेचर ऑफ डिसेंट जो है ये एक आपका एडिटोरियल था इसको आप पढ़ते इसमें पूरा यही बात आपके की गई थी ठीक है तो चलिए हमारा आज का सेशन होता है कल हम वापस से किसी ना किसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे और इवनिंग में जो है हम यहां पर आप लोगों के सामने में एक फ्रेज रिप्लेसमेंट का सेशन लेकर आऊंगा तो जिस भी बच्चे की इच्छा हो उसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाई अर्जुन सर पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा तो आपकी इच्छा हो अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनको कंटिन्यू करें नहीं तो वॉकेबलरी से आप काम चलाइएगा ओके तो चलिए थैंक यू सो मच Share hint to all of you.